हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कंसर्न एंड बेस्ट विशेस। आज मेरे 15 प्लस डेज कोविड के कंप्लीट कर चुके हैं और फैमिली भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ठीक, तो डेली रूटीन में हम लोगों ने यहाँ पर घर पर रहकर क्या चीज़ें फॉलो करी और जो मेडिसिन हम लोगों ने ली, अगर आप बोलोगे तो मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। वैसे नॉर्मल मेडिसिन है जो सारे डॉक्टर सेम कोविड के लिए वही दे रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पर भी वही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बोलूंगी कि देखो, कोविड ज्यादा टाइम नहीं देता है, 4 to 5 days में भी लोगों की कंडीशन खराब हो रही है और बहुत ज्यादा हालत बिगड़ जा रही है। ठीक है, कि डॉक्टर भी उन्हें नहीं बचा पा रहे। ठीक, तो यहां पर क्या है कि आपको फर्स्ट डे से ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आपको हल्का भी लगता है तो अपना जो प्रिकॉशन है लेना स्टार्ट कर दे। देखो, कई तरह के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो फिर भी प्रॉपर दवा खा रहे हैं और प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम से ये अटैक कर जाता है। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि जो घरेलू उपचार हैं एटलीस्ट वो हम कर सकते हैं, लाइक अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, बाकी तो जो होना है वो भगवान भरोसे होता है। तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, मॉर्निंग से मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या फॉलो यहाँ पर करते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये आपने सुना ही होगा नॉर्मल कि वॉर्म वाटर आपको लेना है। ठीक, अब उसके अंदर बहुत लोग नींबू ले रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है। हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, डेली 2 स्पून आपका गिलोय का रस हो गया, 2 स्पून एलोवेरा जूस हो गया और 2 स्पून आपका आंवला का जूस हो गया। क्योंकि तो इससे फ़ायदा ये रहता था, पतंजलि का ही था सब कुछ, तो ये चीज़ हम लोग इसलिए फॉलो कर रहे थे ताकि विटामिन सी और थोड़ी इम्यूनिटी हमारी गिलोय से अच्छी रहे, क्योंकि गिलोय आपका बुखार उतारता है। स्टार्टिंग में फीवर हमें रहा ही था और 99+ तो मुझे 7-8 days तक बना ही रहा, जिस वजह से वीकनेस ज़्यादा है। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है आपका, कि इसके बाद हम लोग करते थे योगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप सीधे लेट रहे हो ना तो ऐसा लगता है कि कोविड में कि आपकी सीना भारी भारी लगता है, ठीक है, और नाक बंद हो जाती है पंखे के सामने। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कि अनुलोम विलोम डेली करो, डीप ब्रीथिंग करो, इससे बहुत आराम मिलता है। जब भी आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम लगे ना कि सांस लेने में, क्योंकि देखो अनुलोम विलोम होता नहीं था सही से, क्योंकि जब स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पर ऐसा लगता था सांस आके रुक जा रही है, तो लेकिन आपको धीरे धीरे करना है उसको, मस्ट है ये चीज़। इसके बाद आती है आपका मिल्क। ठीक है, अगर आपको वीकनेस लगती है, फीवर रहता है, तो आप 2 टाइम हल्दी का दूध ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अपनी हेल्थ पर समझ लो, जब कोविड है तो आप पूरा ध्यान अपनी हेल्थ पर दीजिए। अगर आपके घर में भी किसी को है तो उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करिए। ओके, इसके बाद क्या है, आप हैवी नाश्ता लीजिए, क्योंकि आपको खाना बहुत ज़रूरी है। दोपहर का लंच हो गया, रात का आपका डिनर हो गया, शाम का थोड़ा सा कुछ चाय के साथ या जो भी आप खा रहे हो, एक चाय आप पीजिए, क्योंकि चाय आपको इसमें फ़ायदा करेगी। कोशिश करो चाय में तुलसी अदरक लौंग डाल के पीओ। ठीक है, हम लोग ऐसे ही पीते थे। अब इसके बाद क्या था कि आपका जो दवाई है नाश्ता करके कर लो, फिर उसके बाद एक फ्रूट कुछ भी खा लो आप, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, या इस टाइम खरबूजे आ रहे हैं, मस्क मेलन, वो आप खा सकते हो, वाटर मेलन, ये सारी चीज़ें आप लीजिए ताकि आपकी वाटर बना रहे। पानी जितना हो सकता है उतना पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है दवाइयों से, तो पानी की कमी ना होने दें शरीर में। अब बात आती है कि बहुत लोग गर्म पानी पी रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गुनगुना पानी कभी नुकसान नहीं करता, आप चाहे सर्दी पियो चाहे गर्मी पियो। गुनगुने पानी से ये रहेगा कि अगर आपको कफ हो रहा है ना तो वो मेल्ट होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है स्टीम। ठीक है, तो जैसे देखो स्टार्टिंग में आपको अपना बहुत ध्यान रखना होता है, तो 3 to 4 times आप स्टीम लीजिए अगर आपको कोल्ड है, अदरवाइज आप क्या करो 2 to 3 times आप ले सकते हो। अब बात आती है कि किसकी स्टीम ले, तो गाइस देखो बहुत लोग कपूर की ले रहे हैं, बहुत लोग विक्स की ले रहे हैं, बहुत लोग नॉर्मल वाटर की ले रहे हैं। अगर आपको कफ है और जुकाम में बहुत दिक्कत है तो आप 1 time सिर्फ विक्स की लो, क्योंकि अगर आप 3-4 बार विक्स की सिर्फ लोगे तो आपको यहाँ पर, जैसे मेरे साथ क्या था, मुझे यहाँ पर खुश्की और थोड़ा सा सूखा सूखापन लगने लगा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप सिर्फ वाटर की लीजिए। ठीक है, तो आप सिर्फ वाटर की भी ले सकते हो, बट स्टीम मस्ट है। ठीक है, उसी से आपकी यहाँ की पूरी नोज की क्लीनिंग होती है। अब इसके बाद आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को थी कि स्मेल टेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत कमेंट्स मैंने देखे थे। तो गाइस देखो मेरे साथ क्या था कि मेरे आफ्टर 3 to 4 days बाद मेरा हल्का हल्का स्मेल टेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। इवन मुझे सिर का डियो किसी की स्मेल नहीं आती थी गाइस, बहुत अजीब लगता था, खाना खा रहे लगता था क्या खा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था, और फिर बुखार था तो वैसे ही खाने का मन नहीं होता था। बट
कैसे भी करके खाना ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर्स यही बोल रहे थे कि आप कोरोना जो है वो आपके बॉडी से फाइट कर रहा है, आपकी एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट कर रही है, तो ज़रूरी है कि आपके अंदर खाना जाना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत वीक हो गए और वो हावी हो जाएगा आपके। खाओ चाहे जैसे खाओ, घर में कोई उसको डांट के समझा के कैसे भी खिलाओ ज़रूर, ठीक। इसके बाद आता है आपका क्या, खाना अच्छे से कर लिया आपने, स्टीम ले ली, और शाम को भी आप कर सकते हो अनुलोम विलोम योगा, मेडिटेशन करिए। और तीसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्या, कि जिसको भी कोविड है प्लीज़ आप न्यूज़ चैनल से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आपको ऐसी न्यूज़ जैसे कोविड से लोग मर रहे हैं या शमशान में चिताएं जल रही हैं उस तरह देख के देखो माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके जानने वाले में किसी की डेथ हो रही है या कुछ, तो मन में थोड़ा नेगेटिविटी आती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इन बातों पर डिस्कशन से या देखने से दूर रहो, इंटरटेनमेंट अपना ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें देखें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, इंटरटेनिंग हो, ठीक है, क्योंकि माइंड का स्टेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारे फैमिली में सबको हुआ था, तो कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब रहा, बेबी था उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता था, बट फिर भी जिसको जब टाइम मिलता था वो काम करता था, क्योंकि खाना खाना है, खाना बनाना है और सारी चीज़ें डिसइंफेक्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपना टूथ ब्रश हो गया, आपने ब्रश किया, उसके बाद क्या करो, टब में डिटॉल का पानी रखो, जितनी भी चीज़ें उनको डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे बाथरूम में यूज़ करो, आप किचन में भी यूज़ कर सकते हो। क्या है, आपको नहीं ज़्यादा हिम्मत हो रही तो आप क्या करो, पानी डाल दो डिटॉल का, क्योंकि डिसइंफेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सैनिटाइज़र से अपना सारी चीज़ें सैनिटाइज करिए, बहुत ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या है, जैसे किसी को क्या है कि खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो खांसी वाले केस में आप क्या कर सकते हो, एक तो डॉक्टर एक सीरप रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सारे डॉक्टर सेम कर रहे हैं, उससे मुझे थोड़ा आराम था। और मैं कहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप अपने @bankingsmartly पर उसकी फ़ोटो भेज दूँगी, या फिर मैं कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम पिन कर दूँगी। और इसके अलावा एक भी और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मम्मी ने मेरी बताई थी और फ़ायदा भी काफ़ी हुआ था, शहद और काली मिर्च, ठीक है। डेली रात को सोने से पहले बिना पानी पिए आपको क्या करना, मतलब उसके बाद पानी नहीं पीना, चम्मच में एक चम्मच पूरा शहद लेना, उसमें थोड़ा सी काली मिर्च डालनी है, उसको मतलब एक चम्मच लेकर सोना, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा गले में और खांसी में आराम मिलेगा, ठीक है। बाकी वीकनेस कई दिन रहती है तो परेशान ना हो, मुझे अभी भी वीकनेस है, ठीक है, जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो मेरी थोड़ी सी सांस फूलने लगती है, बट फिर भी नॉर्मल, मतलब पहले से काफ़ी आराम है, ठीक है। अभी टेस्ट हमने नहीं कराया है क्योंकि सबके डेज कंप्लीट हो जाए तो सब साथ में कराएंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।